सभी सुंदर साथ को कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 10 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दे साहेबी किताब की, खोल दिए पट पार, ए खेल लैल का देखिया तीसरा तकरार। विभिन्न धर्म ग्रंथों की साक्षियां देकर पार के द्वार खोल दिए, तब मुझे ज्ञात हुआ कि इस महिमामयी रात्रि के तीसरे खंड में हम जागनी लीला देख रहे हैं। दो बेर लैलत कदर में, खेल में तुम उतरे, चाहे मनोरथ मन में सो हुई नहीं पूरे। इसमें पूर्व इसी महिमामय रात्रि में दो बार व्रज और रास की लीला में हम अवतरित हुए, परंतु इन दोनों लीलाओं में हमारे वांछित मनोरथ पूर्ण नहीं हुए। सोए पट सब खोल के दे साहेबी किताब, कहया तीसरा तकरार, ये जो खेल दुख का आजाब। इस प्रकार सतगुरु ने सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों पर पड़े पर्दों को हटाकर उनकी साक्षी दी और कहा कि महिमामयी रात्रि के तीसरे खंड का यह मायामय खेल वस्तुतः दुखों का ही घर है। इत ही बैठे देखे रूहे, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर है, सहरग से नजीक कहया। सतगुरु ने और भी कहा, वस्तुतः ब्रह्मात्माएं परम धाम में बैठी हुई ही यह खेल देख रही है। इस कल्पनामय संसार में न कोई आई है और न ही उसे लौट कर जाना है। तुम समझ रही हो कि परम धाम दूर है, वास्तव में परम धाम प्राण नली से भी अति निकट है। न ही कायम चौदे तबक में सो इत देखाए दिया, सहरग से नजीक अरस बका में लिया। इन 14 लोकों में कोई भी वस्तु अखंड नहीं है, किंतु तात्म ज्ञान के द्वारा सतगुरु ने हमें यहीं पर अखंड परमधाम के दर्शन करवाए। इतना ही नहीं, परमधाम को अपने प्राण नली से भी निकट दिखाकर सभी आत्माओं को अखंड परमधाम में जागृत किया। साहेदी खुदाई की, रूह अल्लाह दई जब, खुले अंदर पट अरस के, पाई सूरत खुदाए की तब। इस प्रकार सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साक्षी दी, तब अंतर से अज्ञान के आवरण दूर होकर परमधाम के द्वार खुल गए और परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। अंदर मेरे बैठ के खोले पट द्वार, ल्याए किली अरस अजीम से, ले बैठाए नूर के पार। सतगुरु ने मेरे अंतर हृदय में विराजमान होकर परम धाम के द्वार खोल दिए। इस प्रकार उन्होंने परम धाम से तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लाकर मानो हमें अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम में बैठा दिया। हक सुरत ठौर कायम, कबहु न पाया किन, रूह अल्लाह के इलम से,
मेरी नजर खुली बातन। आज तक किसी ने भी परमात्मा का स्वरूप तथा अखंड परमधाम का साक्षात्कार नहीं किया था। सतगुरु के दिव्य ज्ञान के प्रताप से अब मेरी अंतर्दृष्टि खुल गई है। ए इलम लिए ऐसा होत है, रूह अपनी साहेदी देत। बैठ बीच ब्रह्मांड के अरस बका में लेत। इस तारतम ज्ञान को प्राप्त करने पर इस प्रकार अंतर्दृष्टि खुल जाती है और आत्मा अपनी ही साक्षी देने लगती है। तब इस नश्वर संसार में रहते हुए भी अखंड परमधाम का अनुभव होने लगता है। अव्वल बीच और अब लो, ऐसा हुआ न दुनी में कोई। कायम ठोर हक सुरत, इत देखावे सोए। सृष्टि के आरंभ से मध्य तथा आज तक इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इसी नश्वर संसार में अखंड परमधाम तथा परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करवाया हो। हे सुंदर सार जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 10 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर सार जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।